देहात थाना क्षेत्र में युवक शिबू कुशवाहा की मौत, मारपीट के आरोप। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र के तहत आने वाले लोहारपुरा में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के एक दिन पहले युवक की 4-5 लोगों ने मारपीट कर दी थी, जिसके अगले दिन वो मृत अवस्था में मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। भाई धनी राम ने बताया कि बीते 24 जनवरी को लोहारपुरा में 13वीं थी और वहीं शिवू कुशवाहा निवासी लोहारपुरा बैठा हुआ था। यहां उसकी बेटी ज्योति और भारती आई, अपशब्द कहने लगी। इसी बात पर दोनों में बहस हुई, जहां पर शिवू की पुत्री ने अपने मामा के लड़के देवी सिंह को फोन लगाया, लेकिन वो समय पर नहीं आया। शाम को वो कार से अपने 3-4 साथियों के साथ आया। शिवू की लड़कियों और देवी सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। झगड़ा होते हुए लोगों ने बचाव किया और शिवू को छुड़ाकर उसके घर छोड़ दिया। अगले दिन देखा कि शिवू उठा नहीं तो उन्हें शंका हुई। पुलिस को बुलाकर दरवाजा तोड़वाया। यहां देखा कि शिवू की मौत हो चुकी है। मामले को लेकर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। घटनाक्रम ऐसा था कि वो 24 तारीख को 13 थी हमारे पास में, वहीं पर वो आया हुआ बैठा हुआ था। तो उसकी एक बच्ची थी, उसने बच्ची ने क्या उससे अब शब्द बोले कि ये पागल है, जी है वो है। इसके बाद में उसने भी 2-3 बातें कही। तो उस बच्ची ने क्या है कि उसका एक मामा है उसके जहाँ आता है देवी सिंह लोधी, तो उसको फोन ऑन लगाया होगा। तो वो उस समय तो नहीं आया, लेकिन शाम के समय वो 9 बजे के टाइम 4-5 लोगों को लेके बिस्टा गाड़ी से सफ़ेद कलर की थी उससे आया, और उन 4-5 लोगों ने डंडे से और उसकी लड़कियों ने पूरे परिवार में जो कि वो नामदेव फैमिली रहती है, तो उनने मिलके वो उसको मारा पीटा। फिर हमने झगड़े को निपटाया, ऐसे तैसे अलग अलग किया उन्हें, और उन्हें हमने उनके सोने वाले स्थान पर नित्य स्थान पर हमने उनको ले जाके छोड़ दिया कि जाओ तुम आराम करो, लड़ाई झड़ाई में कुछ नहीं रखा। तो दोनों से इतनी बात है। वो फिर हमने अभी ये है कि एक दिन वो उठे नहीं, तो हमने सोचा कि नहीं उठे होंगे, लेकिन दूसरे दिन वो हमें ऐसा शंका हुई, तो हमने फिर पुलिस के द्वारा गेट तोड़वाए और खुलवाया, तो पाया वो संदिग्ध हालत में मृत पड़ी हुई चोटों के कारण। चोटों के कारण तो मरने का कारण है।